आप दिल्ली में अपने घर से निकलते हैं, गुरुग्राम आपको पहुंचना है, लेकिन गनीमत है कि आप समय से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। आए दिन दिल्ली और गुरुग्राम के बीच होने वाले भारी ट्रैफिक जाम की खबरें तैरती रहती हैं, लेकिन आज हम आपको दिल्ली गुरुग्राम ट्रैफिक ट्रेजेडी क्यों सुना रहे हैं, वजह खास है, राहत भरी भी, सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक सभा को भी संबोधित किया। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। आपको बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड हाईवे है। इस हाईवे के बनने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली से गुरुग्राम के बीच होने वाले ट्रैफिक की मार अब कम हो जाएगी, लोग समय पर आराम से अपने गंतव्यों तक पहुंच पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस एक्सप्रेसवे के खास फीचर्स की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है, 29 में से 18.9 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में है और बाकी का 10.1 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है। ये नेशनल हाईवे 8 पर स्थित शिवमूर्ति से शुरू होता है, खेड़की धौला टोल प्लाजा पर खत्म होता है। ये एक्सप्रेसवे द्वारका के सेक्टर 88, 83, 84, 99, 113 को गुरुग्राम के सेक्टर 21 और गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी से जोड़ता है। साथ ही ये हाईवे सुरंग के जरिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जुड़ेगा। दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तक भी लोगों को इससे पहुँचने में आसानी होगी। इसमें सुरंग और अंडरपास जैसे 4 मल्टी लेवल इंटरचेंजेस का निर्माण होगा। इनके अलावा इसमें एक एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर भी होगा। तो गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे एक एलिवेटेड 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, भारत में अपनी तरह का पहला एक्सप्रेसवे है। इसमें सुरंग अंडरपास फ्लाईओवर और एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। देश की सबसे लंबी यानी कि 3.6 किलोमीटर और चौड़ी 8 लेन वाली सुरंग भी है। ये 8 लेन वाला एलिवेटेड हाईवे सिंगल पिलर पर बना हुआ है। इसमें ऑटोमेटेड टोल जमा करने वाला सिस्टम भी होगा। इसमें 34 लेन वाला टोल प्लाजा बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इस एक्सप्रेसवे पर आई लागत की। इस पूरे हाईवे को बनाने में लगभग 9000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसका निर्माण 4 चरणों में हुआ, 2 चरण दिल्ली और 2 हरियाणा में। दिल्ली में बनाए गए पहले चरण में 2507 करोड़ रुपए का खर्च आया, दूसरे चरण में 2068 रुपए का, तीसरे चरण में 2228 करोड़ और चौथे चरण में 1859 करोड़ रुपए का खर्च आया। फिलहाल इस हाईवे के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के लगभग 9 किलोमीटर के हिस्से का काम जून तक खत्म हो सकता है। आप द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लाने में मेरी मदद की है मेरे साथी आर्यन ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।